देखिए कुछ खबरें ऐसी होती हैं जिन पर घर परिवार और समाज में चर्चा भी होती है और बहस भी। अब सोशल अड्डा में आज ऐसी एक खबर है आईटी पार्क से जुड़ी हुई। देश विदेश में आईटी कंपनियों के कर्मचारी लगातार कई घंटे डेस्क पर बिताते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि माहौल बहुत नीरस या फिर बोर हो जाता है। ऐसे में कर्मचारियों को एनर्जेटिक रखने के लिए एक छोटा सा ब्रेक जरूरी है। आपको बता दें शायद इसी बात की वजह से इसको ध्यान में रखते हुए नोएडा के आईटी पार्क में काम करने वालों के लिए गुड न्यूज आई है। नोएडा प्राधिकरण ने अपनी नीति में बदलाव करते हुए कहा है कि अब आईटी पार्क में बार खोले जा सकते हैं। अथॉरिटी का मानना है कि नीति में संशोधन इसलिए किया गया है क्योंकि यहां की कंपनियों ने कहा है कि उनके कर्मचारी ऑफिस में बहुत लंबा समय बिताते हैं और उन्हें यहां फुर्सत के पलों की जरूरत है। यही नहीं, आईटी कंपनियां विदेशी ग्राहकों की मेजबानी भी करती है और उन्हें भी अपने दौरे के दौरान कुछ अच्छे पलों की जरूरत होती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नोएडा के इन कर्मचारियों के पास हाईटेक सुविधाओं के साथ बड़े बड़े ऑफिस होते हैं जहां आईटी पार्क, जिम, स्पोर्ट्स क्लब और रेस्टोरेंट के साथ साथ अपने कर्मचारियों और ग्राहकों के लिए बार बना सकता है। नोएडा अथॉरिटी ने 5 एकड़ या फिर उससे ज्यादा जगह पर बने आईटी पार्क के लिए अपनी नीति को बदला है। वहीं नोएडा के आईटी पार्क में पहले से बने रेस्टोरेंट जरूरी लाइसेंस लेने के बाद शराब परोस सकते हैं। इसके साथ ही आईटी पार्क के परिसर में नए बार भी खोले जा सकते हैं। इससे पहले इंस्टीट्यूशनल प्रॉपर्टी में रेस्टोरेंट, स्पोर्ट्स क्लब और जिम बनाए जा सकते थे लेकिन शराब परोसने के लिए लाइसेंस जारी नहीं किए गए थे। नोएडा प्राधिकरण की तरफ से आईटी पार्क में बार मौजूद है और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये डिसीजन कैसा है, सही है, गलत है, उनके फायदे का है भी या फिर नहीं है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप है। इस डिसीजन को आप किस तरह से देख रहे हैं? अब आपके ऑफिस में एक बार हो सकता है। हाँ अच्छा है, गुड डिसीजन है, बट आपका सोचना सही है और अगर पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो अगर ओपन होता है तो आपको पता है कि आजकल की पब्लिक कैसी है, बहुत थोड़ा सा ही यूज करने पे अनकंट्रोल हो जाता है, तो वो सब चीज को देखते हुए डिसीजन ठीक है लेकिन उस चीज को कंट्रोल में रखा जाए तो ज्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से। जो डिसीजन लिया गया है वो भी ठीक है, मैं यही कह रहा हूँ कि कोई भी चीज का एक लिमिटेशन होना चाहिए। अगर आप ऑफिस में है, ऑफिस में अगर परमिशन मिल भी रही है तो एक मापदंड होना चाहिए कि आप इतना लिमिट तक कर सकते हैं, इतना एक लिमिटेशन के अलावा। मैं इसके पुरजोर समर्थन करता हूँ, मुझे लगता है कि ये ओपन अप कल्चर ज्यादा इस तरीके से बढ़ेगा और जो एक गेट गोवर की चीजें होती हैं जो स्टार्टअप्स में नॉर्मली फॉलो करते लोग कि अगर एक इंसान बियर पी रहा है तो हो सकता है कि उसकी बॉन्डिंग अपने सह एम्प्लॉयज के साथ ज्यादा अच्छे तरीके से बनेगी, अपने बॉस के साथ ज्यादा अच्छे तरीके से बनेगी और वो मुझे लगता है उसका आउटपुट भी ज्यादा ज्यादा निकलेगा बिकॉज उसको बाहर सिगरेट पीने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। वो अगर बाहर जाके 15 मिनट वेस्ट कर रहा है तो वहीं पे 15 मिनट की प्रोडक्टिविटी ला सकता है। कई लोग का शौक होता है कि ठीक है हमें रात में एक 30 ml 40 ml चाहिए, उस लिहाज से आपके जब आप काम कर रहे हो तो दिमाग में ये नहीं है कि मैं कब ऑफिस से निकलूं और कब जाके किसी बार में पहुंच जाऊं। अब आपके पास ही अवेलेबल रहेगी तो एक तरह से आप मेंटली भी आप फ्री रहोगे इस चीज़ के। बिल्कुल बिल्कुल, अब क्या होता है कि जैसे अगर ये चीजें यहाँ पे उपलब्ध हो जाती है तो लोग जैसे शाम को निकलना है तो वो चीज माइंड से उठता जाएगी भाई कि हमें वहाँ निकलना है या वहाँ जाना है और हमें लिमिटेड चीजें यहीं पे मिल जा रही है और हम उस चीज को और सही बात है कंपनी की प्रोडक्टिविटी भी इससे बढ़ेगी, इसे इसको निगेटिव रूप में नहीं लेना चाहिए। बाकी बहुत लोग लिमिट से होना चाहिए और बहुत बढ़िया चीज है, डिसीजन है इस तरीके से। ठीक है, तो ग्लोबली जो दुनिया है वो 24/7 काम कर रही है, अगर ऐसे में आप इंडियन एम्प्लॉय से कई बार वीकेंड में काम करना पड़ता है, 8 घंटे से ज्यादा देर तक ऑफिस में रुकना पड़ता है, रात में भी रुकना पड़ता है, ऐसे में अगर उनको एक छोटा सा बार उनके पास हो जहां पर वो छोटा सा ब्रेक ले सके तो उनके लिए अच्छी बात होगी। तमाम एम्प्लॉयज का यही मानना है कम से कम नोएडा के इस आईटी पार्क में कि ये उनकी खुद की परफॉर्मेंस को बढ़ाएगा और कंपनी के लिए भी प्रोडक्टिव साबित हो सकता है। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, नोएडा।